तो गाइस आप लोगों का स्वागत है मेरा अनंत गेमर चैनल पर। तो पहली बात मैं आप सबको सबसे पहले यह बता देता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले बेन और रुक ट्रेनिंग कर रहा था, तो यहाँ पर एलियन आ रहा है, इसको ख़त्म कर लेता। तो ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग करने समय रुक टेलीपोर्ट ऑमलेटिक्स में कुछ गड़बड़ होने के लिए रुक टेलीपोर्ट हो गया बेन के पास में। और बेन के पास में जाकर मतलब डॉक्टर एनिमो ऐसे कुछ एलियन से लड़ रहा था। लड़ने समय वहाँ पर आ गया था मेलवेयर। तो मेलवेयर से लड़ते समय रूक का जो प्रोटोटूल है वो मेलवेयर को मिल गया है। और मेलवेयर को मिल जाने से बेन का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर बहुत खतरे में आ गया। तो इसलिए अभी मैं मेलवेयर से वो प्रोटोटूल लेने के लिए बहुत ढूंढ रहा हूँ। तो उसी समय क्या हुआ, साइफिन आ गया। साइफिन ने ब्लू किस और डीबा को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे ब्लू किस और डीबा ने एक तीन जनरेटर बनाया था, वो साइफिन को चाहिए। लेकिन साइफिन को पता नहीं वो जनरेटर क्या करता है। तो साइफिन को सिर्फ इतना ही पता है वो बहुत पावरफुल चीज़ है, इसलिए वो साइफिन को चाहिए था। तो फिर उसके बाद साइफिन से मैं ब्लू किस और डीबा को बाहर निकल आया, मतलब उससे मैं साइफिन से निकल कर लेकर आया। फिर पता चला कि ब्लू किस और डीबा वो जनरेटर वो मेलवेयर के लिए बना था उसको ठीक होने के लिए, लेकिन वो जनरेटर मेलवेयर अपने हथियार की तरह एब्जॉर्ब करना चाहता है। लेकिन ब्लू किस और डीबा को पता नहीं कि वो उसको पता नहीं था क्योंकि वो मेलवेयर वो उसको हथियार की तरह बनाना चाहता है। इसलिए लेकिन ब्लू किस और डीबा ने उसको इसलिए बना कर दिया था, कम से कम मतलब जो अभी मेलवेयर जिस तकलीफ में है उस तकलीफ को ना भूगे, इसलिए ब्लू किस और डीबा ने उसके अच्छे के लिए बनाया था। लेकिन मेलवेयर ठीक होना नहीं चाहता था, उसको वो पावर चाहिए। तो इसलिए वो क्या कहता है, वो अपने एक हथियार की तरह बनाना चाहता है। तो मैं सबसे पहले अभी मेलवेयर को इतना ताकतवर चीज़ में उसको देना नहीं चाहता था क्योंकि वो आर्ट के लिए बहुत हानिकारक है और बेन के फ्यूचर के लिए बहुत हानिकारक है। तो बेन के फ्यूचर में मैंने एक डिस्ट्रॉय टू कर दिया, अभी दूसरा डिस्ट्रॉय करना है बेन के पास में। तो चलो अभी आगे बढ़ो, इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये गेम प्ले कंटिन्यू करने के पहले मैं इस इंट्रो के बाद फिर से मिलूँगा। तो गाइस आप लोगों को ये स्टोरी अगर मालूम चला फुल स्टोरी क्या हुआ था क्या हो रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू तो जल्दी से सब्सक्राइब करना और अच्छे लगे तो लाइक करना। तो अभी आगे बढ़ता हूँ। आप लोगों को शायद अभी सब पता चल गया होगा मैं यहाँ पर केस क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मुझे क्या ढूंढ रहा हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा। मुझे वो दो जनरेटर मतलब एक तो डिस्ट्रॉय कर दिया था बेन के पास में, तो अभी मुझे दो जनरेटर बेन के जनरेटर डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी बेन के पास में दो जनरेटर है उसको मतलब डिस्ट्रॉय करना है। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं सबसे पहले वो जनरेटर ढूंढ रहा हूँ। तो गेंदभर ने कहा था वो जनरेटर एक ऐसे जगह में है जहाँ पर फ्यूचर में जो प्लम्बर बेस है ना वो बनेगा, फ्यूचर में बनेगा लेकिन अभी नहीं बनेगा। तो फ्यूचर में कैसे बनेगा, मतलब अभी एक बड़ा गड्ढा होगा उसमें, मतलब उस जनरेटर को तोड़ने से एक बड़ा गड्ढा होगा, उस गड्ढे से मतलब बाद में फ्यूचर में उस गड्ढे के अंदर ही वो क्या प्लम्बर बेस जो हेडक्वार्टर जो आसमान में रहता है पृथ्वी के ऊपर वो आकर वहाँ उस गड्ढे के अंदर रहेगा। तो वो फ्यूचर में होगा, इसलिए उसके लिए मैं अभी से तैयारी करना होगा। तो मतलब उस जनरेटर को तोड़ने से वो फ्यूचर के लिए एक ऐसा चीज़ बन जाएगा जो ओ भाई ये भी देखो भाई आर्टिगोना का न्यू स्लाइट मोड अच्छा लगा, ओ नाइस। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पर स्टोरी क्या हो रहा है। आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोगों को ये गेम प्ले अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक करना न्यू तो सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स अभी देखो अभी शायद मेरा ये मेन विलेन है शायद स्पाइडर ही है। तो अभी मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ। अभी ये तो बहुत पावरफुल है भाई, इतनी जल्दी तो मारने का नाम नहीं ले रहा है। तो कोई बात नहीं बेटा, आ जा। तो ओ भाई नहीं, फीडबैक से भी कुछ नहीं हो रहा है। एक काम करता हूँ, उसको हिट ब्लास्ट से ट्राई करता हूँ। अरे लग जा, हाँ लग गया, हिट ब्लास्ट से थोड़ा जा रहा है। ठीक है, आ जा। अभी मेरे ऑमलेट्स में शार्क नहीं है तो इसको आने देता। ओ भाई ये ऊपर चला गया, और यहाँ से देखो इस मकड़ी भी आ गया भाई, ओ नाइस। और इस ओ ना भाई क्या हो क्या रहा है भाई, जाले के अंदर जाने से क्या मुझे भी झकड़ लेता है देखो जाले से। और शायद
हाँ समझ गया, मैं इस जाले के ऊपर खड़ा नहीं रख सकता क्योंकि इसके ऊपर खड़ा रहूँगा तो मैं कूद नहीं सकता और मुझे जाले से घेर लेगा। तो ऐसे ध्यान से लड़ना होगा क्योंकि अभी देखो इसके पास हेल्प बहुत कम कर दिया मैंने, थोड़ा स्किप कर दिया आप लोग समझ जाओ। तो इससे मतलब लड़ना बहुत टाइम लग रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा स्किप स्किप करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी देखो अभी तो फिर इसको ख़त्म करने का वक्त है तो सबसे पहले इसको ख़त्म कर लेता हूँ। तो गाइस बहुत देर के बाद इस लड़ने के बाद अभी देखो इसका लाइफ इतना ही कम हो गया है। तो अभी देखो अभी मैं हिटलर से दूर से मैं फायरिंग कर रहा हूँ तो जितना हो सके ये इसको मैं पास नहीं आने दूंगा, दूर से ही फायरिंग करूँगा। और ध्यान रखना होगा मैं जाले के, ओ नाइस अभी ऑप्शन क्या है, ओ अभी क्या, ओ नाइस ठीक है ठीक है, अटैक अटैक जली 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 हो गया। ओ भाई ओ इसको घुसा देगा वही कैनन बोल, ओह नाइस भाई रॉन्ग रॉन्ग हो गया है, कोई बात नहीं फिर से ट्राई करूँगा, मतलब कंट्रोल समझ में नहीं आया था इसलिए। तो कोई बात नहीं इसको शायद यही लास्ट होगा, शायद थोड़ा ही लाइफ है तो फिर से ट्राई करूँगा। एक मिनट रुक जाए, आजा बेटा आजा आजा, ख़त्म 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 हो गया, फिर से ट्राई करता हूँ। रुक उल्टा दिया रुकने, फिर से आ गया वाइल्ड वर्ड अटैक अटैक ठीक है। जमीन के नीचे हाथ घुमा कर देखो, अभी देखो अभी इसके अंदर घुसा देगा ये वाला, ओ भाई ठीक है अच्छा समझ गया अभी नीचे नीचे भाई इतना तड़पा तड़प के मारा है भाई इसको, कोई मत नहीं ओह नाइस यू गाइस शुड बी रेडी टू गो व्हेन यू गेट बैक टू द फ्यूचर और प्रेजेंट और व्हाटएवर यू कॉल इट। यस वी शुड गो बैक एंड इन्फॉर्म मैजिस्टर टेनिसन। तो गाइस बेन यू यंगर यू एंड आई planted explosives at the site where the morphic generators are hidden. If we detonate the bombs, we can destroy the generators. Great, let's get moving. Oh, समझ गया। तो मुझे एक जनरेटर मिल गया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ पर क्या हुआ था? तो भाई सबसे पहले इन लोगों को ख़त्म कर लेता हूँ गेवी टेक बनकर। तो अभी मैं बोल रहा हूँ मुझे यहाँ पर एक जनरेटर मिल गया। तो बेन कह रहा था तुम फ्यूचर में जाओ, फ्यूचर में जाकर बेन को बताओ एक जनरेटर मिल गया है उसको डिस्ट्रॉय करना है कि नहीं। और रुक कह रहा है तुम गेनफा से इन्फॉर्मेशन मतलब गेनफा को इन्फॉर्मेशन दे दोगे हमें एक जनरेटर मिल गया। तो अभी इसके साथ क्या करना है? तो अभी रुक फ्यूचर में आया, फ्यूचर के आने के बाद बेन से थोड़ा बात किया, बेन से थोड़ा बात करने के बाद अभी पता चला है जो कोऑर्डिनेट्स है मैंने जो जनरेटर जिस जगह में पास में था ना उस जगह में फिर से ये बेन जा रहा है अभी फ्यूचर में। तो उस जगह जाकर मतलब देखेगा तो उसमें ब्लास्ट कर सकता है कि नहीं वो देख कर ही बता सकता है, मतलब इन फ्यूचर कुछ ना कुछ तो होगा शायद, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो चलो फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ता हूँ इन लोगों को ख़त्म करके। तो देखो आप लोग गेविटेक से मतलब गेविटेक पावर बहुत है, गेविटेक का पावर बहुत है इसलिए इसका चार्ज टाइमिंग बहुत है। तो यहाँ पर फिर से आ गया ये वाला और इससे मतलब क्या हो जाता है चक्कर आ जाता है वैसे, कोई बात नहीं यहाँ पर एक ही एलियन है इसको ख़त्म करके आगे बढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ पर गेविटेक बनकर सारा का सारा एनिमी को तो ख़त्म कर दिया। तो अभी मुझे आगे बढ़ना है तो बेन डबल क्लिक डबल जंप ठीक है, अभी डबल जंप करके आगे ही बढ़ रहा हूँ। तो अभी देयर सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ लो लाइफ एक्टिविटी, परहैप्स मैलवेयर हैज डिटेक्टेड द एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, वी बेटर गेट टू द बॉम्ब साइट एज फास्ट एज वी कैन। समझ गया। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रैंडफा ने रूक को एक प्रोटो टूल जैसा कुछ दिया था, वो ग्रैंडफा ने बताया है वो प्रोटो टूल बेन के एलियन से काम करता है ना कि उनके ओमनिटिक्स, मैंने गलती से आप लोगों को बता दिया वो प्रोटो टूल बेन के ओमनिटिक्स से जुड़ा है नहीं बेन के एलियन फॉर्म से जुड़ा हुआ है वो, मालूम नहीं ऐसा ही कुछ बोला था ग्रैंडफा ने इसलिए। तो अभी सबसे पहले इन लोगों को ख़त्म करा था और रूक को बुरा लग रहा है क्योंकि उसका प्रोटो टूल उसके साथ नहीं है। तो मेलवेयर को कब मिलेगा मतलब उसके साथ कब दो दो हाथ होगा तब उसको ये प्रोटो टूल मिलेगा वो मेल रूक परेशान है उससे। तो सबसे पहले इनको ख़त्म करके मैं अभी तीसरा वाला जो लास्ट जनरेटर है उसको मैं ढूंढने वाला हूँ क्योंकि पहला तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, दूसरा वाला पास में था, अभी तीसरा वाला कहाँ है, फ्यूचर में है या पास में है वो मालूम नहीं है मुझे लेकिन मैं उसको ढूंढने वाला हूँ। तो चलो अभी सबसे पहले गेविटेक बनकर इन लोगों को ख़त्म कर लेता हूँ। और ये तो इतना कमज़ोर है मुझसे तो लड़ नहीं पाएगा क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला है उसके पास गेविटेक है, गेविटेक के सामने कोई भी एलियन टिक नहीं सकता। चल भाई आगे बढ़ो, अभी सबसे पहले इन लोगों को ख़त्म हो जाए भाई, एक ही बस है तो इसको भी ख़त्म करके आगे बढ़ाऊँ।
इसको खत्म के लिए मैंने मतलब मेरे पास तो एलियन का पावर नहीं था, तो आ गया अभी सार्स हो गया मैट्रिक्स, तो ये भी गया शायद। खत्म। चलो अभी मुझे इधर से जाना होगा, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, एक्सपी ना। ओह देखो रुक कहाँ जम करके गिर गया नीचे। तो चलो कोई बात नहीं, एक्सपी तो मिल गया है, कोई बात नहीं। तो अभी मुझे कहाँ, ठीक है समझ गया। तो फिर से यहाँ पर एलियन आ गया, तो मैं कैविटी बनकर फिर से इनको ख़त्म करने वाला हूँ। गाइस तो गाइस यहाँ पर जितने भी एनिमी था सबको ख़त्म कर दिया मैंने, और ख़त्म करने के बाद मुझे आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर दो दरवाजा, एक दरवाज़ा दिया हुआ है, तो इसको लीवर ऑन करके ही चले जाऊँगा। हाँ ये क्या हुआ, एक खोलता है तो दूसरा बंद। भाई क्या हो, ओ रुको उस तरफ है ये खोलने का रास्ता, तो ध्यान से फिर से नहीं, एक काम कर रुक तू दरवाज़ा खोलना भाई, मुझे उस तरफ जाने दो। इस तरह से भी नहीं होगा, साइड में तो कहीं कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं रुक को यहाँ पर खड़ा करके मैं जल्दी से जल्दी इसको टेपता हूँ तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, रुक हट जाता है। तो क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको कहीं तो ऐसा लीवर होगा शायद, कहीं तो कुछ ना कुछ चीज़ होगा जो मैं कर सकता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, इस बॉक्स को उठा सकता हूँ क्या मैं? हाँ इस, ओह नाइस भाई ब्रो, इस बॉक्स को मैं उठा सकता हूँ, पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं है। तो नाइस, तो इसको मुझे रखना है 20 में, पहले नंबर गेट के 20 में रखना है। तो मतलब क्या हुआ, इस तरह देखना, अभी मैंने पहले नंबर के 20 में रखा है, तो अभी इसको ऑन करने से ये अटक जाएगा, ये देखो इस तरह से ये अटक जाने से मैं अभी यहाँ से निकल पाऊँगा। तो ये सब आसान ही था एक तरह से, लेकिन समझ में नहीं आया था ना इसलिए। और यहाँ पर देखो एक लीफ जैसा बना हुआ है भाई, ध्यान से, और मुझे ध्यान से कूदना होगा भाई, ध्यान से। ओ नाइस, हो गया। ओ भाई हो गया, कोई बात नहीं, लीफ था ना इसलिए। तो अभी मुझे ओ अल्लाह के ना भाई, स्पेस देखो भाई, जगह देखो भाई, कितना अच्छा है भाई। अरे लेकिन घूम कहाँ रहा है मालूम नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ दरवाज़ा दिया हुआ है, तो तीनों ऑप्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या, हाँ ठीक है यहाँ पर भी गेविटेक का पावर देना है, लेकिन हो क्या रहा है, एक मिनट देखने दो। अभी मुझे गेविटेक ही यूज़ करना है, ठीक है ये ऊपर गया है, ये ऑफ है और ये ऑन है। समझ में नहीं आ रहा है कौन सा ऑफ कौन सा ऑन। हाँ अभी सब ग्रीन हो गया है, कुछ तो हो भाई, दिखा तो सही क्या हुआ, अभी भी नहीं मिल रहा है, ठीक है नीचे से मिल गया एक, तो अभी इसको ऑफ करके देखता हूँ क्या होता है। नहीं फिर भी नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, मतलब किस तरह से करना होगा। तो इसको एक जगह में रुका हूँ कैसे भाई, ठीक है ये तो ऑफ हो गया, ये तो बंद हो गया शायद, हाँ ये बंद हो गया, ठीक है हाँ ठीक है समझ गया। मैं इसको नीचे से मिलाऊँ, ऊपर मिलाऊँ या नीचे मिलाऊँ, शायद ये 20 वाला का होगा शायद। ओ भाई समझ गया, यहाँ पर सिर्फ दो लीवर को ही मैं ऑफ कर सकता हूँ, समझ गया हो गया, ये लास्ट एक था। ओ भाई ये ऑप्शन मतलब तीनों लीवर है, तीन लीवर से कोई एक लीवर को ही मैं ऑफ कर सकता हूँ, समझ गया कोई बात नहीं। चलो फ्रेंड्स अभी आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर भी शायद बहुत एनिमी होगा मालूम है, यही था मैं बोल ही रहा था। तो सबसे पहले इनको ख़त्म कर देता हूँ, और इनको ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पर क्या मिलता है वो मैं देखता हूँ, शायद एक्सपी मिलेगा ना, स्मूदी पावर स्मूदी मिल गया है मुझे। और भाई जल्दी 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 कलेक्ट हो जा, कोई बात नहीं। और यहाँ तक जो मुझे पावर स्मूदी मिल गया, अभी शायद पावर स्मूदी के पास मुझे मेरे पास ट्रेनेट है वो मिलेगा शायद यहाँ से, ये सबसे पहले मैं ले लेता हूँ। और इसको लेने से पहले मैं सबके सब एलियन को ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत दिक्कत देगा, नहीं तो मुझे वो स्मूदी मैंने ट्रेनेट लेने नहीं देगा। यहाँ पर तो अभी लास्ट बंदा है मतलब लास्ट एनिमी, तो वहाँ से मुझे ट्रेनेट नहीं मिला, वहाँ से मुझे एक्सपी मिला है, तो एक लास्ट से है, तो यहाँ से मैं गेविटेक से मारूँगा इसको। और यहाँ पर मुझे शायद आर्टिगुआना बनना होगा शायद, हाँ क्योंकि आप लोगों ने पता होगा आर्टिगुआना लावा को जमा सकता है, तो इसको भी जमा सकता है शायद।
तो मैं तो यहाँ पर आर्टिगोना बन गया, तो एक बार ट्राई करता हूँ अगर ऐसे ही हो सकता है, मतलब जमा सकता है शायद, इसलिए रास्ता भी यही है, तो ट्राई करता हूँ। ओ नाइस, ठीक है ठीक है, ये जमा सकता है लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। देखो ये लावा, मतलब इस लावा से तो ये बहुत पावरफुल है, इसको तोड़ दे रहा है। देखो लावा तो इतनी जल्दी से टूटता नहीं था, है टूट गया देखो। तो ओ भाई यहाँ पर भी है बॉक्स है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा शायद, इस बार मुझे टेरेनाइट मिलेगा शायद, टेरेनाइट नहीं, इस बार भी मुझे येलो कलर का एक्सपी मिला है। और यहाँ पर इतना लेग हो रहा है भाई, इतना एनिमी आ गया ना, तो सबसे पहले इन लोगों को ख़त्म कर लेता हूँ ग्रेविटेक बनकर। ओ भाई इतना एनिमी को मैं ग्रेविटेक बनकर मार रहा था, तो ये स्पॉन होने के, मतलब स्पॉन ना होने की कसम ले रखा है शायद, स्पॉन होते रहता है भाई, स्पॉन होते रहता है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है भाई। इतना एनिमी होने के बाद भाई कैसे होगा, जल्दी से इनको भी ख़त्म कर लो, क्योंकि मेरा चार्ज नहीं है अभी ओमलिटिक्स में, अभी ओमलिटिक्स में बैटरी नहीं है, तो जल्दी से मैं इसको बेंच से ही मारूंगा। तो ये मोटा बेंच से तो नहीं मरता है ना, इसलिए वो भी बात है। तो सबसे पहले ओ नाइस, मुझे ग्रेविटेक मिल गया है, अभी देखना अभी सबको एक बार में पटक पटक कर मारूंगा। आजा बेटा तू आजा, इसको नीचे नहीं आने दूंगा, रुक जा, दोनों गया साइड, और एक बार लास्ट, एक बार और ख़त्म, हाँ दोनों ख़त्म, ठीक है दोनों ख़त्म हो गया। तो बहुत देर के बाद अभी ये ख़त्म, देखो मैंने बोला था ख़त्म हुआ, तो फिर से ये स्पॉन हो गया, ख़त्म हो जाना भाई। तो ठीक है ये अभी अभी फाइनल फिक्स खत्म। और भाई ये कहाँ है भाई, नीचे ढकल रहा है, पीछे ढकलता है भाई, ध्यान से ध्यान से, ठीक है पहले बार मिला था आगे ढकलता, अभी ये देखा पीछे ढकेल रहा था, और इतना ओ भाई ये ओ नाइस, ठीक है ठीक है ठीक है। और इस तरह से मुझे आगे बढ़ना है, ध्यान रखना होगा खुद का भी। और यहाँ पर ये देखो ये कहाँ से आ गया, और फ्रेंड्स सबसे पहले इन लोगों को ख़त्म कर ले, तो ये बहुत टाइम लगने वाला है, और थोड़ा मोबाइल भी लेग मार रहा है, लेग मार रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी एनिमी थे सबको तो ख़त्म कर दिया, तो अभी मैं बैन बांधकर यहाँ से कूदते कूदते जाने वाला हूँ, क्योंकि शायद यहाँ पर एनिमी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोगों ने देखा होगा ये वाला चीज़, यहाँ पहले से ट्रैप बना हुआ है, तो एनिमी कहाँ से आएगा, इसकी सच बात है ना। तो अभी मुझे ऊपर जाना होगा, क्योंकि ये सिंबल देना दे रहा है, तो इससे पहले मैं ऊपर जाऊँ उससे पहले मैं इस गेम यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। आए हो आप लोगों को ये गेम प्ले अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और नहीं हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना, जो भी अगर गलती से भी आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे ही मैं बहुत बहुत मजेदार मजेदार गेम प्ले लाता रहता हूँ। तो सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।